तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दृषि प्रेम स्टोर शॉर्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक से होंगे। फिलहाल आज मैं अपना जो है गार्डन का, एंजल रोज़ गार्डन का ओवरव्यू करा रहा हूँ। और बाकी जो इसमें कुछ दिक्कतें थी हमारे रोज़ प्लांट के अंदर, वो सारी जानकारी और पूरी डिटेल हमने मेन चैनल दृषि प्रेम स्टोर पर छोड़ चुके हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा। बाकी हम इसमें जो मास्टर फीडिंग चल रही है, हम जो दे रहे हैं जो केमिकल वाली फीडिंग जिसे बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट नाइट्रेट जिसे बोलते हैं, वो वाली फीडिंग हमारी चल रही है। इसके अंदर ये पुष्पा विटन वाले वही पौधे हैं जो मुझे 20 प्राप्त हुए थे, देख सकते हैं। नीचे वालों को शायद नीचे वाले ही वही हैं, नए हैं और नई ग्रोथ भी आना शुरू हो चुकी है। और बाकी मैं इनकी आईडीज सब बताता रहूँगा आपको। और हनी डिजन है ये, मेरे ख्याल से आज खिला हुआ छोटा सा साइज में हनी डिजन। तो मैं इनको जो है आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ओवरव्यू करा रहा हूँ अपने ऊपर से नीचे तक के गार्डन का। तो ये तो मेरे सब नए वाले प्लांट्स हैं, ये मेरे प्लांट पुराने थे, इन पर माइट्स लगी थी, भयंकर तरीके से माइट्स लग गई थी, वो मैंने हटा दी है। तो और बाकी ये वाले हमारे जो फ्रूट प्लांट हैं जो हम दूसरे वाले घर में से इधर लेकर के आ गए हैं हम, क्योंकि वहाँ धूप अब लगने का कोई हिसाब किताब बन नहीं पा रहा। मैं ऊपर चलता हूँ और अब ऊपर ले जा करके दिखाता हूँ। ये मेरी झटका मशीन के वायर जा रहे हैं जिससे अब बंदर मेरे गार्डन के अंदर नहीं आते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ से चल करके। ये देखे, ये अभी नीचे वाले माइट्स वाले ही पौधे हैं जो मैं, माइट्स लग गई थी तो मैं ऊपर अपने को लेकर के रख दिया है कुछ पौधों को। और ये देखें यहाँ पर प्लांट्स देखें, और प्लांट्स की कंडीशन देखें और फ्लावरिंग देखें, काफ़ी बंच में हो रही है। और ये वाला प्लांट्स भी मेरा एकदम से बहुत ख़राब कंडीशन में था, इसमें फीडिंग के ज़रिए से जो है ये भी माशाल्लाह से ठीक होने लगा है, पत्तों में अब शाइनिंग भी आना शुरू हो चुकी है। और बाकी दिखा देता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी इसमें, जिसमें एक दो बार अभी पेस्टिसाइड और लगेगी तो ठीक हो जाएगा। ये एवलांच है अपना, और देखिएगा ये है मेरा पूरा एंजल रोज़ गार्डन। जैसा कि हमारे सागर भाई ने बोला था कि झटका मशीन लगने के बाद आपका एंजल रोज़ गार्डन बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखेगा, तो वही हो रहा है। झटका मशीन लगने के बाद हमारा जो है बंदरों का आना जाना थोड़ा कम हुआ है, और पौधे देख सकते हैं आप कितनी हेल्दी कंडीशन में माशाल्लाह। और बेजल सूटें भी आना शुरू हो रही हैं, देखें इस तरीके से। यहाँ से देखें एक बार, बंदर मुँह मार गया था क्योंकि मैंने इस साइड में जो है तार नहीं लगाया था, ये वाला जो जा रहा है, ये वाले दोनों तार जो जा रहे हैं ये वाले नहीं लगाए थे, तो वो इधर से आ जा रहे थे, तो मैंने अब इधर से भी लगा दिए। अब सामने जो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कभी मस्जिद की छत पे से आ जाते हैं, उसके लिए मैं व्यवस्था बाद में देखूँगा। ये देखें फ्लावर काफ़ी अच्छी कंडीशन है माशाल्लाह आप मेरे पौधों में, आप देख सकते हैं नई नई शूट्स देख सकते हैं, कलियाँ देख सकते हैं ढेर ढेर सारी इसकी। अभी मैंने कल ही, शायद मेरे ख्याल से कल ही मैंने इसके फ्लावर कट किए हैं, फिर से ये कलियाँ लगी हुई हैं। और ये मेरा एक स्टैंड रोज़ है, ये भी माशाल्लाह ठीक हो गया है। अब इसको मैंने बांध दिया था, यहाँ से बंदर तोड़ गए थे पिछली साल यहाँ से, तो खैर अभी ठीक है और ग्रोथ भी नहीं है, पत्ते भी ठीक ठाक हैं, डिजीज़ फ्री है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बस आयरन की थोड़ी बहुत कमी है, वो मैं इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में डाल करके ग्रोथ आ जाना शुरू हो जाएगी, आयरन की कमी भी दूर हो जाएगी। और देख सकते हैं गोल्डन मेलाडियन करके कुछ है, गोल्ड मेडल, ये देखें इसमें कलियाँ गिने आप कितनी ढेर सारी कलियाँ आई हैं। इसके भी फूल मैं कट कर चुका हूँ काफ़ी बार। ये मेरा एवलांच है, एवलांच की अच्छी क्वालिटी होती है, एवलांच बड़ा ही मोटी पत्ती का और बढ़िया और अच्छे से सर्वाइव होता है, बड़ा प्यारा चलता है। बस ये है पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, पानी अगर ओवर होगा तो ज़रूर उसकी पत्तियाँ पीला पड़ के गिरना शुरू हो जाती हैं। किसी भी पौधे की ले लीजिए आप, ये देखें, ये देखें नई ग्रोथ देखें, ये सब बंदरों की ना आने की वजह से है। बंदर जिस टाइम आना शुरू हो गए तो समझ लीजिए इसकी ग्रोथ भी जो है वहीं स्टॉप हो जाएगी। देखिएगा ये, अब देखें ये मेरा एंजल रोज़ गार्डन, फूल मैं डेली कट करता हूँ। और देखें ये भी मेरा माशाल्लाह रोज़ चल चुका है, और ये भी ब्रांचें देखें बड़े पे आ चुका है। और देखें ये वाला एवलांच देखें, ये भी एवलांच है शायद मेरे ख्याल से, ये पुष्पा विटन से स्वीट एवलांच शायद मुझे लगता है ये आया हुआ है, वही है ये पिछली साल जो हमें भेजा था। तो प्लांट सब मेरे माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं इसका जो है अपने मेन चैनल पे पूरा ओवरव्यू भी दूंगा, ओवरव्यू के साथ ही
जो है फिर से मैं दोबारा से फिर इसके केयर के बारे में बात करूँगा कि मैं इसमें अभी क्या दे रहा हूँ और आपको क्या देना चाहिए। बस मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इस वजह से कि ईद का थोड़ा सा समय है, मेरी थोड़ी सी जो है छोटी सी एक दुकान है तो बटन्स की, जैसा कि आपने मेरे चैनल का नाम भी सुना हुआ है दृषि बटन स्टोर, तो बटन की मेरी शॉप है, तो जिस वजह से उसमें अभी फुर्सत नहीं मिल पा रही है, मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, बड़ा समय निकाल करके ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। तो बस फीडिंग के बारे में आप मुझे ज़रा जो है थोड़ा सा समय दें, मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कि फीडिंग कब और कैसे और क्या कितनी मात्रा में और क्या देनी है वो सब, ताकि आपके पौधे भी अच्छे और हेल्दी रहें। ये मेरा एक ब्रांच टूट गई थी मुझसे ही, और ये देखें अभिषेक रोज़ है शायद मेरे ख्याल से, डबल डिलाइट भी है मेरे पास माशाल्लाह, दो तीन हो चुके हैं। ये देखें पॉलिनेशन का काम चल रहा है, मतलब मधुमक्खी देखें रस पी रही है या पानी पी रही है, कुछ भी पी रही है, बहरहाल देख सकते हैं आप बड़ा अच्छा नज़ारा है। ये देखें ये कौन सा रोज़ है। तो मेरे पौधों में अभी माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं आपकी नज़रों के सामने है। अब देखें एक मधुमक्खी इधर भी है, मुझे ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि मधुमक्खियाँ मेरे यहाँ बहुत अच्छे से आ जाती हैं और पॉलिनेशन बढ़िया कर देती हैं। तो ये है मधुमक्खी देखें, और काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ हैं देखें, इधर भी देखो वो देखो इस वाले गुलाब पे बैठी हुई है, ये उड़ गई। तो ये है आज का मेरा ओवरव्यू, और बाकी आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से, मेन वाले चैनल को भी और इस वाले चैनल को भी, इस पर भी मैं आपको डिटेल वीडियो देता रहूँगा, और मेन चैनल पे तो आपको मिलती ही रहती हैं। बाकी अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।